स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट स्टार्स वर्सेस वेस्टर्न स्ट्रोम T20 मैच प्रीव्यू, जो खेला जाएगा द काउंटी ग्राउंड बेकनम पे। मैच टाइमिंग दोपहर के 3:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस श्रेणी के ऊपर लास्ट वुमेन्स का T20 मैच खेला गया था 6 साल पहले, डेट थी 24 जुलाई 2016। मैच था कैंट वुमन वर्सेज वॉरविक शायर वुमन। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना ये दोस्तों न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, तो अपन कह सकते हैं पे बैटर्स को और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है, इस श्रेणी के ऊपर ना साउथ ईस्ट स्टार्स ने खेला ना दोस्तों वेस्टर्न स्ट्रॉम ने खेला। रीज़न क्या है, क्योंकि ये दो टीम्स हैं ना, पहले क्या होता था, पहले जो कैंट की टीम होती थी, वॉरविक शहर की टीम होती थी, लंकशायर की टीम हुआ करती थी। अभी क्या क्या लोगों ने पता आपको, दो तीन क्लब को एक साथ जोड़ के, जो टीम्स होती हैं उनको जोड़ के दोस्तों एक टीम बनाई है। रीज़न क्या है, वुमेंस के जो मैचेस थे वो दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। ये 2 साल पहले चेंज किया गया था, 2-3 साल पहले वुमेंस T20 लीग भी होती थी एक यहाँ पे, तो ये लोगों ने रूल चेंज किया है। वरना पहले एकदम दोस्तों कचरा जैसी लीग हो जाती थी पूरी, इसमें कितनी टीम्स होती थी आप दोस्तों T20 ब्लास्ट देख लो, कितनी टीम्स उसके अंदर, लैंकशायर, सरी, फिर दोस्तों मुंह पे मेरे को इतने नाम याद है, कैंट की टीम देख लो, फिर सस्क्स की टीम देख लो, मतलब इतनी टीम्स है कि भाई मतलब खत्म है पूरी कहानी, ग्लोस्टरशायर, ग्लेमगन, इतनी बहुत ज़्यादा टीम्स है। तो लोगों ने क्या किया, वुमेंस मैचेस के अंदर टीम्स को कंबाइन कर दिया, 3-4 टीम को एक साथ डाल दिया। तो ये नया टूर्नामेंट फिर स्टार्ट किया, तो ये दोनों टीम्स ने उस टूर्नामेंट में खेला ही नहीं था। अभी दो तीन साल पहले जो टीम आई है ये, अब देखो इस श्रेणी के ऊपर जो टीम बैट फर्स्ट करी है एक भी मैच नहीं जीती है, जो टीम चेस करी है 3 के 3 मैच जीती है। यहाँ पे 2016 के अंदर 3 मैच हुए थे वुमेंस के यहाँ पे, और तीनों मैच से जो टीम चेस करी थी वॉन बाई विकेट्स हुआ था। औसतन स्कोर 150 के आसपास बनता है, इससे ज़्यादा शायद ही जाए। लास्ट 3 मैच में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो पेसर्स ने, तेज गेंदबाज ने 17 विकेट निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 11 हैं, दूसरी पारी के अंदर 6। राइट आर्म पेसर 13 विकेट से, लेफ्ट आर्म पेसर 4 विकेट, और 4 के 4 विकेट से किसने निकाले, नमोई दत्तानी ने 3 विकेट एक मैच में, 1 विकेट किसी अलग मैच में निकाला था उसने। अब देखो स्पिनर्स का क्या यहाँ रूल रहा है, लास्ट 3 मैच के अंदर 8 विकेट है, पहली पारी के अंदर 6 विकेट है स्पिनर्स के, दूसरी पारी के अंदर 2 विकेट है। ऑफ स्पिनर्स का 5 विकेट, लेग स्पिनर्स का 1 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 6 विकेट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था 24 जुलाई 2016 को, मैच था कैंट वर्सेज वॉरविक शायर के बीच में, जिस मैच में 5 विकेट पेसर का था, 2 विकेट वहाँ पे स्पिनर का था। बढ़िया वेदर फोकस्ड है, सनी वेदर फोकस्ड है। आप देखो शनिवार के दिन यह मैच है, और यह मैच वहाँ पे 11 बजे स्टार्ट होगा। कहाँ पर, ये भाई साहब अपना UK के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, डेकनम पे, और 11 बजे स्टार्ट होगा। अपने यहाँ पे बज रहा रहेगा दोपहर के 3:30। आपको पता अपन 5.5 घंटे उनसे आ गए, ठीक है, ये भी चीज़ आपको जानकारी रखनी है। बढ़िया वेदर फोकस्ड है, 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बढ़िया दोस्तों चिल्ड मौसम रहेगा एकदम। चलते हैं स्टार्ट्स की तरफ, न्यूज़ बाकी बात कर लेते हैं। तेज फ्रंट आई है वेस्टर्न स्ट्रोम के अंदर, हिदर नाइट वापसी कर रही है जैसा लास्ट मैच में करी थी। दोनों टीम्स ने आपस में एक भी मैच नहीं खेला, ये मैं आपको पहले बता दूं, वेस्टर्न स्ट्रोम ने, और जो ये टीम है जिसका नाम आप जानते हो दोस्तों साउथ ईस्ट स्टार्स, दोनों टीम्स ने एक भी मैच नहीं खेला। और लाइनअप्स की बात कर लेंगे अब, तो यहाँ पे देखो आप उससे पहले पॉइंट टेबल की बात करते हैं, कौन दोस्तों किस पोजीशन के ऊपर फिलहाल खड़ा हुआ है पॉइंट टेबल के ऊपर। एक टीम है कौन सी, वेस्टर्न स्ट्रोम, एक टीम का नाम क्या है, साउथ ईस्ट स्टार्स। दोनों दोस्तों एक एक मैच जीती है, मतलब क्या हुआ, 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, दोनों टीम्स का यह हाल है। साउथ ईस्ट स्टार्स 5th पोजीशन के ऊपर है, वेस्टर्न स्ट्रोम 6th पोजीशन के ऊपर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी, ठीक है, आपको बता दिया मैंने जानकारी के लिए जरूरी है ये भी। साउथ ईस्ट स्टार्स ब्रॉन स्मिथ कैप्टनसी करेंगे, ओपन करेंगी, राइट ही बैटर ऑफ स्पिनर है, अलेक्स क्रॉम्पटन, अलेक्स कैप्सी, अलेक्स डेविडसन रिचर्डसन आएंगे यहाँ पे, राइट ही बैटर, राइट आर्म मीडियम है, तेज फ्रंट लेफ्ट ही बैटर, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, हेमा जोन्स राइट ही बैटर, राइट आर्म मीडियम है, केरा चैथली विकेट कीपर राइट ही बैटर है, चेस्टी वाइट राइट ही बैटर है, डेनेला ग्रिगोरी लेग स्पिनर, फ्रेड डेविस राइट आर्म फास्ट, कैलेरे मोरे ऑफ स्पिनर है। अब देखो प्रमुख गेंदबाज कौन है, ब्रायन स्मिथ है, लास्ट मैच में एलएस कैप्सिस से सिर्फ 2 ओवर करा है, एलएस डेविडसन रिचर्ड्स 4 ओवर डालते हैं, जिनके आगे 2 डबल टिक मारा हो ना 4 ओवर डालेंगे, ब्रायन स्मिथ 4 ओवर, एलएस डेविडसन रिचर्ड्स 4 ओवर, तेज फ्रंट को दोस्तों 4 ओवर लॉजिकली डालने चाहिए, फ्रेड डेविस को भी 4 ओवर डालने चाहिए। चलेंगे अपन वेस्टर्न स्ट्रोम की तरफ, हिदर नाइट कैप्टनसी कर रही, कैप्टनसी तो इंग्लैंड की करती है, क्षमा चाहता हूँ आदत सी हो गई इनकी बोलने की, कैप्टनसी डोमेस्टिक के अंदर सोफिया लव करती है,
राइट ही बैटर है। इंटरनेट नॉर्मल प्लेयर राइट ही बैटर ऑफ स्पिनर है। जॉर्ज एनेंसी राइट ही बैटर राइट मीडियम। फ्रान विल्सन राइट ही बैटर है। डैनियल गिब्सन राइट ही बैटर राइट मीडियम। कैटी जॉर्ज बस आजकल बैट करती है इंजरी से, ये एक दो साल से पता नहीं कैसी कैसी इंजरी हो गई है इनके कि बॉलिंग ही नहीं कर रही एक दो साल से। लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। नताशा व्रत विकेट कीपर राइट ही बैटर है। एलेक्स ग्रिफ्टिंस राइट आर्म मीडियम। नियाम हॉलैंड राइट आर्म मीडियम। लॉरेन फिलर राइट आर्म मीडियम। सोफिया स्माल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। प्रमुख गेंदबाज इनके चार और कंफर्म है, हिजरनाइट जॉर्ज एनेंसी डैनियल गिब्सन एलेक्स ग्रिफ्टिंस। बात करेंगे यहाँ पे किसकी प्रैक्टिस मैचेस स्टार्ट्स की, आप प्रैक्टिस मैचेस स्टार्ट देख ही सकते हो। दोनों टीम्स ने यार बहुत सारे मैचेस खेल लिए हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्या ही प्रैक्टिस मैच के स्टार्ट बताऊँगा, क्या करना पता है आपको, जाना है एक वेबसाइट पे live.nvplayer.com/ecb जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, ये देखो आप इस वेबसाइट पे जाना है आपको। रिजल्ट्स के अंदर जाना है फिर यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस मैच हो चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो वुमेंस फ्रेंडली मैच है सबसे ही नीचे नीचे, एक है रीजनल अकेडमी फ्रेंडली मैचेस। दोनों में आपको फिल्टर क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की दिखाता हूँ, ठीक है। रिजल्ट्स के अंदर गए, इसके अंदर फिल्टर का ऑप्शन ये मिल जाता है। अब देखो आप यहाँ पे किसी भी टीम का नाम डाल लो, जाके आपको प्रैक्टिस मैच स्टार्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, वेस्ट इंडीज का 6 मई को प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसके अंदर देखो एफ यू मरिस ने 77 बनाया था और हेनसन ने 42 करा था। व्रत जो कीपर है 30 करा था। गेंदबाजी की बात करते हैं तो उस प्रैक्टिस मैच में स्मॉल ने एक विकेट निकाला, 45 रन दिया 4 ओवर में। फिलर ने यहाँ पे 4 ओवर में 36 रन दिया, एक विकेट निकाला। हेनसन का एक विकेट था, मतलब आप हर चीज़ को दोस्तों जाके यहाँ पे बारीकी से देख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब दोस्तों पे बात कर लेते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की और रिसेंट फॉर्म T20 का कैसा रहा है प्लेयर्स का। तो दोनों टीम्स ने हेड टू हेड खेलाएंगे, सीधी बात है। अब बात करेंगे T20 के स्टैट्स की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में साउथ ईस्ट स्टैट्स के बारे में ब्रीफली बता दिया था। ब्रायन स्मिथ ने देखो T20 में कितने मैच खेले, 53 मैच खेला है, 15 की औसत है, 758 रन है, 27 विकेट है गेंदबाजी से, कैप्टनसी कर रही है। दैट्स वाई दोस्तों चार और पक्का डालेंगी और दोस्तों बैट तो ओपन करती हैं। तो कहते हैं ना जब आपको कैप्टनसी मिलती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों इनका भी वही हाल है, मस्त गेंदबाजी कर रही हैं और अच्छी प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैप्टनसी जब करते हैं तो प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने आप का दोस्तों रोल बढ़ाते हैं। हार्दिक पांड्या को देख लो एग्जाम्पल के लिए, पहली बारी में 12 की औसत है, 618 की औसत है T20 करियर में। अलेक्स क्रामस्टोन 26 मैच 129 रन है, बैट फर्स्ट 8 चेस के ऊपर 18 की औसत है। अलेक्स कैप्सिका 16 मैच के अंदर, ये ध्यान से सुनना, 16 मैच 29 की औसत है, 353 रन है, 17 विकेट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों का परफॉर्मेंस रहा है T20 में, बहुत अच्छी प्लेयर है। बैट फर्स्ट 38 चेस के ऊपर 20 की औसत है। अलेक्स डेविडसन रिजल्ट्स 57 मैच 37 विकेट 887 रन है और मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तेज फरान 62 मैच 75 विकेट है। ग्रिगोरी का 13 मैच में 7 विकेट है। फ्राइडेस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 64 मैच 56 विकेट है। कैलेरा मुरे का 12 मैच में 10 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर अलेक्स कैप्सी, फ्रेड डेविस, डेनियल ग्रेगरी और आपको दिखेंगे यहाँ पर तेज फरान। डेथर के अंदर अलेक्स डेविडसन रिचर्ड्स हैं, ब्रायन स्मिथ हैं, अलेक्स कैप्सी एंड तेज फरान। बात करेंगे वेस्टर्न स्ट्रोम की, तो यहाँ पर जब हिदरनाइट T20 खेलती तो क्या होता है, 214 मैच खेले T20 में, 30 की औसत है, 5000 के आसपास रन से यार 105 विकेट हैं। जॉर्ज एनेंसी 34 मैच 27 की औसत है, 539 रन से 9 विकेट हैं। सोफिया लव का 50 मैच में 500 रन 22 की औसत है, पहली बारी में 15 चेस के ऊपर 30 की औसत है, इंपॉर्टेंट है चीज़ भी। फ्रान विल्सन 105 मैच 1400 रन 22 की औसत है। डैनियल गिब्सन 29 मैच 19 विकेट 215 रन है। कैटी जॉर्ज 41 मैच 230 रन 16 विकेट्स हैं। बैट फर्स्ट 9 चेस के ऊपर 20 की औसत है। निकाला ये तो बाद में आएगी। नताशा व्रत की बात करते हैं यहाँ पे, इनका 10 मैच में 65 रन है। एलेक्स ग्रिफ्टिंस का 18 मैच में 5 विकेट 38 रन है। निया मॉलैंड नहीं खेली है। लॉरा फिलर का 3 मैच में 2 विकेट है। एफ यू मॉरिस का 35 मैच में 179 रन है, ऑप्शन भी डाल दिए। और निकोला कैरी का 14 मैच में 16 विकेट है। एक मिनट आपको एफ यू मॉरिस का विकेट्स कॉलम भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे विकेट कॉलम मैंने लिखा नहीं है कितने विकेट्स निकाले इसने 35 में, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने उसको टाइप कर दिया। एफ यू मॉरिस का 35 मैच में 31 विकेट है और बॉल फर्स्ट में चढ़ा डालती हैं, बॉल फर्स्ट में भी अच्छे स्टैट्स हैं। निकोला हार्वी का 14 मैच में 16 विकेट्स हैं। ब्रेथन गैमन का यहाँ पे 2 मैच में कोई रोल नहीं था। लॉरेन परफेक्ट का 10 मैच में 213 रन 53 औसत है। मॉल रॉबिन्स का 1 मैच विकेट है। क्लैरी निकोलस 29 मैच 29 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर एस स्मॉल हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन डालती हैं। डी गिब्सन, जॉर्ज एनेंसी, कभी कभी एल फिलर भी आती हैं। डेथर में गिब्सन, एलेक्स ग्रिफ्टिंस, जॉर्ज एनेंसी। जब इस सैनिक के मैच हुए जिसका नाम है कैंट द काउंटी ग्राउंड वेकनम, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट स्टार्स की तरफ से किस किस प्लेयर ने खेला है, मात्र 2 प्लेयर ने खेला है।
एलआईएस डेविडसन ने रिचर्ड्स का दो मैच में 49 रन है, टेज फ्रंट का दो मैच में 0 विकेट है। बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वेस्टर्न स्ट्रोम, जॉर्ज एनसी का दो मैच में 73 रन एक विकेट है, फ्रांस विल्सन का दो मैच में 62 रन है। कमन कैप्टन हिजर नाइट, ब्रायन स्मिथ बड़ी लिस्ट में बनाओ, यहाँ पे हिजर नाइट सबसे टॉप मोस्ट पे कैप्टनसी भी गए, ब्रायन स्मिथ है, फिर यहाँ पे जॉर्ज एनसी हैं, ओपन करती हैं, चार ओवर डालती हैं, एलआईएस डेविडसन रिचर्ड्स हैं, अलग जाना कैप्सी को दोस्तों ट्राई करना ओवर अदर प्लेयर्स, डे गिब्सन भी अच्छी भी गए, टेस्ट रन भी एक अच्छी विकल्प आपका जो कैप्टन है जो वाइस कैप्टन। बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, कैप्टन है आप इधर नाइट, वाइस कैप्टन है ब्रायन स्मिथ, मैंने जॉर्जन एन से लास्ट डिविजन ज्यादातर प्रीफर करा, और टेस्ट फ्रॉन फ्रेड डेविस स्मॉल, यहाँ पे हैं एलेक्स ग्रिफ्टिंस ओवर फ्रॉन विल्सन। अब दोस्तों मेरा दिल था यहाँ पे अलाइज कैप्सी को लेने का यार, लेकिन ले तो ले कैसे लें, बात वही है, 64 पॉइंट्स है, 6 सिलेक्शन परसेंटेज, टॉप मोस्ट पिक हो सकती है मैच की, ऐसी प्लेयर है वो, मेरे को अभी भी याद है ओवल इनविंसिबल्स के लिए खेलती थी, का खिताब जिताया था अपनी टीम को, मर्ज़ाइना कैप थी उस टीम के अंदर, डैन वेन नैकरिक थी, बहुत ही मज़ेदार दोस्तों मैच होते थे उस टाइम पे। 100 भी आ रहा है जल्दी, बात करेंगे इसकी रेडियो बीम सेक्शन, एंड रॉथ एक अच्छी वीक है, चैटली नीचे खेलती हैं, क्रांस्टोन इंपॉर्टेंट है इस सीजन में, अच्छा कराया प्रैक्टिस में, अच्छे रन बनाए थे, फ्रॉन विल्सन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सोफिया लफ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एलेक्स ग्रिफ्टिंस चार ओवर डालते हैं, दैट्स व्हाई आई प्रीफर्ड। चलते हैं ब्रायन स्मिथ की तरफ, इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पर, और केटी जॉर्ज भी दोस्तों ठीक प्लेयर है, बात वही है कि देखते हैं किस तरह से खेलती है इस मैच के अंदर, विद द बैट कितने पॉइंट्स देती है, लास्ट मैच के अंदर आप देखो 34 पॉइंट दिया था और उससे पहले 11 पॉइंट दिया था, कुछ 7-8 रन बनाए थे। अब चलते हैं ब्रायन स्मिथ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रोल इनका अच्छा है, दो डेप्थ में डालती हैं 15-20 ओवर के बीच में, इधर नाइट इंपॉर्टेंट है, हेनसी दोस्तों एक अच्छी खिलाड़ी है, डेप्थ में एक ओवर डालती हैं प्लस ओपन करती हैं, डी गिब्सन भी क्वालिटी प्लेयर है, बहुत पॉइंट्स हैं अभी तक दो मैच में, दोनों के अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स है, विद द बैट 20-30 रन बना के विकेट निकालती हैं, और एलाइस डेविडसन रिचर्ड्स भी एक अच्छी प्लेयर है, बस दिक्कत यह है कि ये विकेट्स जब निकालती है तो बहुत सारे निकालती हैं, गेंदबाजी ज़्यादा करती हैं, बैटिंग थोड़ी कम ही कर लेती हैं आजकल तो, कम करती है मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर एक तरीके से। फ्रेड इज इंपॉर्टेंट, एफ यू मॉरिस दोस्तों खेलते तो पिक करना, टेस्ट फ्रंट इंपॉर्टेंट, ये दो प्लेयर्स आपको लेके चलने हैं, तीसरा बॉलर आपका बनेगा एस स्मॉल या फिर के मोरे, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे एफ यू मॉरिस लेंगे तो अपन उसी को लेंगे, यार सीधी बात है ठीक है, किसको ट्राई कर सकते हो आपको दिखेंगे यहाँ पे एक प्लेयर थी यार डी ग्रिगोरी, उनका दिन हुआ तो चल सकते हैं, और कभी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, देखते रहे स्टार्ट्स, मुझे मिलते रहिए दफा, टेक केयर, सी सून, जय हिंद, आप तो मैं हूँ।